दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी बॉर्डर से नेक डिजाइन बैन वाला डिजाइन कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम जब सिलाई डिजाइनिंग का काम करते हैं, हम बुटीक चलाते हैं, तो हमारे पास कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जिनमें बॉर्डर लगा रहता है, जैसे साउथ कॉटन और बनारसी कॉटन, इस तरह के बहुत सारे कपड़े आते हैं जिनमें बॉर्डर लगा रहता है। तो हमें कस्टमर को एडवाइस देनी होती है कि किस प्रकार से आप इसमें कौन सा नेक बनवा लीजिए, कौन सा नेक इसमें अच्छा रहेगा। तो कुछ कस्टमर होते हैं कि वो जैसे कॉलर वाले डिजाइन उनको बनवाना है, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कुछ ड्राइंग के माध्यम से। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो हम सिर्फ बॉर्डर से इसको बनाएंगे और फिर इसमें बटन्स का यूज करेंगे। तो हमारे पास से ये एक कुर्ती कटी हुई है, हम इस पे बनाएंगे इसको। ये है पेस्टिंग, इसका कॉलर बनाएंगे और ये है वो बॉर्डर जिससे हम ये डिजाइन बनाएंगे। ये है बुकरम जिसकी चौड़ाई है लगभग 8 इंच। तो चलो पहले मैं नेक काटना आपको सिखा देता हूं कि नेक की कटिंग कैसे की जाती है। तो हम इसकी ब्रॉडनेस रखेंगे 6.25, यानी के 3 इंच 1 सूत। दोस्तों जब हम कॉलर का या बैन पट्टी वाला कोई नेक कट करते हैं तो उसकी ब्रॉडनेस हमें ज्यादा रखनी होती है, क्योंकि अगर वह डीप होता तो ब्रॉड हो पाता, लेकिन वह डीप नहीं होता, इसलिए हमने उसकी ब्रॉडनेस थोड़ी ज्यादा रखनी होती है। 6.5 भी रख सकते हैं, यानी 3.25। तो ये मैंने रख लिया है 3.25 और डीप रखूंगा मैं तैयार 7.5। तो मैं 8 पे इसको निशान लगाऊंगा और फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे लगभग यहां से यहां 3.5 पे, और इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे ये। उसके बाद इसको सीधा यहां से कट करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इस पे ही ये कॉलर लगाना है। तो नेक तो हमारा कट हो चुका है, अब हमने इस बॉर्डर को उतना ही ले लेना है जितना हमने डिजाइन में यूज करना है। तो मैं एक मेथड समझा देता हूं आपको कि कितना बॉर्डर आपको नीचे तक रखना चाहिए। जैसे हमारा ये सूट है तो हमने कंधी से इसको, अगर आपका बड़ा साइज है तो कंधी से आपको 14 इंच तक ये लेना चाहिए, कंधी से नाप के 14 इंच तक। या अगर बंदे की लंबाई ज्यादा है, जिसका सूट या कुर्ती है जिसकी अगर लंबाई ज्यादा है, तो 15 भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 15 साढ़े 15 तक रख सकते हैं आप इसको। मैं वैसे 14 इंच पे रखूंगा इस बॉर्डर को। तो मैं इसको कट कर लेता हूं इस तरह से फोल्ड करके। अब हमने इस तरफ से भी इसको फोल्ड करना है, इसकी चौड़ाई निर्धारित कर लेनी है कि हमें इसको कितना चौड़ा रखना है। तो हम रखेंगे इसको 2 इंच। तो हमने रखना है ये 1.5 इंच, मैं 1.5 इंच रखूंगा, आप ज्यादा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। या कई बार कस्टमर खुद भी बता देता है कि हमें बॉर्डर कितने चौड़ाई के चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं।
तो ये हमारा बॉर्डर चिपक चुका है दोस्तों। अब हमने या तो इस तरह से फोल्ड करना है इसको, इस तरह से, इसको इस तरह से देख लेना पड़ता है कि इसकी शेप बराबर है या नहीं। ये बराबर है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमने सेट कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन पर। तो सबसे पहले हम ये कपड़ा कट कर लेते हैं और इस पे हम इस गले को रख के सिल लेंगे। तो हमारा ये नेक तैयार हो चुका, हम इसका सेंटर कर लेते हैं। अब हमने ये फ्रंट के पल्ले पे इस नेक को सिल लेना है। ये यहां से स्टार्ट करके ऐसे घुमा के ये यहीं पे सिलाई रोक लेनी है। अब मैं आगे बताता हूं करना क्या है। क्योंकि हमने इस पे कॉलर चढ़ाना है यहां पे, यानी कि बैंड पट्टी, तो हमने ये इतना मार्जिन इस तरह से रखना है। अब ये बीच से कट कर लेना होता है, यहां पे थोड़ा ध्यान से कहीं सिलाई पे कट ना लग पाए। अब इसको इस तरह से पलट लेना होता है दोस्तों। तो यहां पे कच्चा भी डाल सकते हैं, वैसे इसके ऊपर यहां बॉर्डर आ जाएगा। अब हम इस पे बॉर्डर लगा लेते हैं।
तो ये है हमारा बॉर्डर। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉर्डर हमारा लग चुका है। अब हम इसकी कंधी जोड़ लेते हैं। दोस्तों ये कंधी जो बैक का ये पल्ला है उसकी कंधी हम थोड़ी सी बढ़वा रखते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पिछली बार पूछा था जब मैंने एक कोट कॉलर बनाना सिखाया था, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जितनी हम ये टिपनेस रखते हैं लगभग 1.25 इंच, उतनी ही हम कंधी बढ़वा रखते हैं जिसमें कॉलर बनता है या बैन पट्टी बनती है। तो ये मैंने बढ़वा कंधी रखी हुई है। मैं इसकी कंधी दिखा देता हूँ बढ़वा किस प्रकार से है। ये देखिए जब हम इसको यहां पे मिलाएंगे ऐसे, और जब इस तरह से सेटिंग इसकी करेंगे हम, तो ये देखिए कंधी जो है बढ़वा आ चुकी है। इस कंधी बढ़वा का क्या फायदा है? कभी कभी कस्टमर हमसे शिकायत करते हैं, हम खुद भी देखते हैं कि गला ऊपर को चढ़ता है, ऐसे जाता है ऊपर, और फिर बार बार उसको कस्टमर को ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है जो पहनने वाला है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप कंधी बढ़वा रख देते हैं तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैं जितने भी कॉलर वाले सूट होते हैं या बैन पट्टी वाले सूट होते हैं उनमें एक कंधी बढ़वा रखता हूँ। ये ज्यादा नहीं, 1 या 1.25 इंच फालतू रखनी होती है, और वो बढ़ के अगली साइड में आ जाती है। यहाँ से बिल्कुल बराबर रहता है, जब आप ऐसे करके देखोगे तो ये कंधी बढ़वा होती है। फिर यहाँ पे कुटका लगाना होता है यहाँ पे, और फिर इस तरह से वो यहाँ पे सेंटर करके बाजू लगा देनी होती है। चलिए इसको छोड़िए, अब हम इसकी बैन पट्टी लगाएंगे। तो चलते हैं, इसकी बैन काटते हैं और प्रेस से चिपका के इस पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका कॉलर नाप लेना होता है इस तरह से, इन दोनों को ऐसे पकड़ के इस तरह से इसका, ये हाला बोलते हैं इसको, हाला, इसका हाला नाप लेना होता है इस तरह डबल करके, ये ऐसे नापना होता है। तो इसका कॉलर है 16 इंच, यानी ये हाफ में 8 इंच आया, तो 8 × 2 = 16, तो 16 इंच की हम बैन पट्टी काटेंगे इसकी। तो इसकी हम बैन कटिंग करेंगे। ये है पेस्टिंग, इसको बोलते हैं टैट्रोन। ये टैट्रोन है, लगभग ये 70 रुपए मीटर है,
अच्छे वाले टैट्रो में, तो हमने इसमें कैसे बैंड काटनी होती है, इस तरह से हमने पहले एक मार्क करना होता है 3 इंच पे। उसके बाद 3 इंच तक तो बिल्कुल सीधा रहेगा ये, यहां से यहां तक सीधा रहेगा और यहां से हल्का राउंड जाएगा। तो राउंड कैसे जाएगा ये देख सकते हैं, 8 इंच है ना, तो 8 इंच पे इस तरह से हम यहां पे निशान लगाएंगे। हमने ये ऐसे इसको ऐसे कट करना होता है, यहां पे थोड़ा चौड़ाई ज्यादा है, वो जब मैं कट करूंगा तो ये अपने आप सही हो जाएगा। तो ये इस तरह से बैंड पट्टी कटिंग कर लेनी होती है। इसकी चौड़ाई 1 इंच, इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं, तो मैं इस पे सिलाई लगा लेता हूं। यहां से बिल्कुल गोलाई लेनी होती है और इसकी पूरी बैंड पट्टी की चौड़ाई बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है तो बाद में भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलाई लगाई हुई है ताकि इधर उधर ना खिसके। तो ये बैंड पट्टी हमारी कट चुकी, एक बार और इसको नाप के देख लेते हैं। इस तरह से नापना होता है। तो ये पूरी 8 इंच है, 8 से थोड़ा सा आधा सूत ज्यादा है, तो मैं यहां से इसको थोड़ा कट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब हम इसको चिपकाएंगे बॉर्डर पर। तो बॉर्डर से ही हमने बैन लगानी है। तो ये बॉर्डर थोड़ा सा, ये जरी है, इसमें जरी का धागा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। हमने इस तरह चिपकाना होता है, थोड़ा सा नीचे छोड़ के। तो हमने उतना ही एक पोर्शन कपड़े का काट लेना होता है। तो चलते हैं मशीन पर और इसको बनाते हैं और इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, इसको इस तरह से करना होता है, ऐसे, यानी कि हमारी सिलाई कहां पे लगेगी। तो ये हमने इस चौक से ऐसे मार्क कर लेना होता है, इधर भी और दूसरी साइड भी इस तरह से। ठीक है, अब हमने यहां पे लगभग आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे
इसको सिलना होता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई आनी चाहिए। इस पेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल भी एक भी टाँका नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, हम इसकी फालतू मार्जिन कट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका फालतू का मार्जिन हमने कट कर देना होता है और उतना ही रखना होता है जितना कि सिलाई में दब सके। अब करेंगे इसका सेंटर, ऐसे मिला लेना होता है इस तरह से, और फिर ऐसे करके यहां पे लगाना है कुट का। अब चढ़ा लेते हैं कॉलर इसका। इस पे भी एक कुटका लगाना होता है। यहां से भी ये बराबर कर लेना होता है। अगर बड़ा छोटा हो रहा है, कोई बॉर्डर ऊपर निकल रहा है, तो इसकी सेटिंग भी कर लेनी चाहिए दोस्तों। अब हमने क्या करना है, ये उल्टी साइड से देखिए, उल्टी साइड से ऐसे रख के यहां पे हमने इसको सिल लेना है, बिल्कुल ऐसे। ये थोड़ा सा यहां पे ध्यान से करना होता है। और दूर तक अनुमान लगा लेना होता है कि ये दोनों कुटके, जो हमारे कुर्ती का कुटका है और ये कॉलर वाला कुटका, बराबर होने चाहिए। अगर ये थोड़ा सा जैसे ये बढ़ रहा है, तो ऊपर का थोड़ा हमें खींच देना चाहिए और नीचे का थोड़ा ढीला, तो ये उसकी बराबर ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं नम देना। जो भी हिस्सा बड़ा होता है उसमें थोड़ा सा थोड़ा ढीला छोड़ देना होता है, तो उसको बोलते हैं नम देना। तो नम दे लेनी होती है हल्की सी। तो ये हमारी बैंड पट्टी लग चुकी। अब इसको इस तरह से इसके अंदर ऐसे ले लेना होता है दोस्तों। ये बहुत काम आएगा आपके, जिस तरह से मैं फिनिशिंग से आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, अब सिलाई लगेगी इस पे, यहां पे इधर से भी हमने इसको अंदर इस तरह से कर लेना है, और ये बारीक पेचकस से इसको ऐसे, ये देखिए, पूरा एकदम सटा के, ताकि थोड़ा सा भी नोक आगे ना निकले। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग करनी है दोस्तों, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, आप समझ रहे हैं, ये ऐसे है, इस तरह से ही है। तो हमने स्टार्टिंग यहां से करनी है, इस तरफ से। हमने यहां से स्टार्टिंग करनी है, इस ज्वाइंट से। ऐसे पूरा गोल घुमाना है बैंड पट्टी पे।
इसकी यहाँ की सेटिंग ये बारीक पेंचकस से कर लेनी चाहिए। जो भी इसका मार्जिन है या कुछ धागे वागे होते हैं वो सब अंदर इसके ऐसे कर लेना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी सिलाई, वहीं पर ही आके इसको रोक दिया हमने सिलाई को, जहां से हमने स्टार्ट की थी। आपको पूरा मेथड समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकता से आपको समझाया है। लगभग सभी बैन पट्टी इस तरह के चाइनीज कॉलर इस तरह से ही चढ़ाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये भी ध्यान दे लेने वाली बात होती है, ये सेंटर पूरा बराबर होना चाहिए, ये देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसको जोड़ना है, बाजू बना लेनी है। अब जो भी हमने बटन्स वगैरह लगाने वो लगा सकते हैं। अब इसकी बाजू चढ़ेगी, फिर इसके पैनल पे भी बॉर्डर लगेगा, तो ये कुर्ती एक रेडीमेड लुक की बहुत ही अच्छी कुर्ती बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।